वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नूर आलम नदवी साहब, इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये मैच कराने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका स्वागत करते हैं। ये मैच टूर्नामेंट यहाँ के नौजवानों के माध्यम से आयोजन किया गया बहुत प्रयास के बाद और कोशिश के बाद, और मैं अपना परिचय क्या दूँ। मेरा नाम नूर आलम नदवी है, हम डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर है AIMIM के। नौजवानों ने हमसे कुछ दिन पहले कहा कि सर ऐसी बात है टूर्नामेंट आयोजन किया जाए जिसमें हम नौजवान जो है हमारे साथ सहयोग करेंगे। अगर चले लोगों ने पूरी ताकत के साथ, पूरी तवानाई के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ 4 से 5 दिनों में इस टूर्नामेंट को आयोजन किया और इसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इसमें हमारा भी काफ़ी सहयोग रहा। मुसलसल 5, 7, 8, 10 दिनों से हम इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए ग्राउंड पे भी हैं और कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना, उनसे कुछ सहयोग लेना सामाजिक स्तर से भी, और क्या कहते हैं जो हमारे पॉलिटिकल फील्ड में जो नेटवर्क है मेरा, उनसे भी हमने सहयोग लिया है और इस टूर्नामेंट को हम आगे हमने बढ़ाया है। आज फाइनल मैच है जो महालक्ष्मी टीम और सनी 11 के बीच खेला जा रहा है। हम इन तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इन तमाम अभिभावकों का, जो भी हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। खासतौर से हमारे जो है कमेंटेटर मास्टर सनाउल्ला भाई, डॉक्टर सज्जाद साहब हीरो प्लाजा से आए हुए हमारे दानिश भाई, उन सबका खासतौर से शुक्रगुजार है। हमारे इस कमेटी के मेम्बर उल्ला डॉक्टर साहब और मेहमान जी नज़ीर आलम, जिसकी अहम भूमिका रही है टूर्नामेंट को करवाने में, और यहाँ के बुजुर्गों का जनाब हाजी कासिम साहब, आश्चर्या साहब, नसीर साहब, इन तमाम लोगों का हम तहदिल से शुक्रगुजार हैं कि इन लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है और आज फाइनल पोजीशन में हम लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं BYO यानी बिहार युवा ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सनाउल्ला साहब, आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि ये इस JCC क्रिकेट क्लब को लेकर के कैसा फील कर रहे हैं। सर बताएं, सबसे पहले आप अपना परिचय दें, उसके बाद बताएं कि आप JCC क्रिकेट क्लब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आदाब, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेसिडेंट नहीं, स्टेट सेक्रेटरी हूं। अच्छा अच्छा, स्टेट सेक्रेटरी जी जी। और मैं पेशे से एक शिक्षक हूं और मेरा जो हॉबी है वो बड़े बड़े सम्मेलनों को, बड़े बड़े सभाओं को और खास करके क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी कमेंट्री की भूमिका निभाता हूँ। मेरे दोस्त रहे हैं नूर आलम नदवी, इन्होंने आमंत्रित किया मुझे कि हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है और आप आकर के यहाँ पर कमेंट्री की भूमिका निभाए। मैंने इनके निमंत्रण को कबूल किया और यहाँ तक आया। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। और क्रिकेट जो यहाँ पर हो रहा है जिला डुमरी के इस ग्राउंड में, तो इससे पिछले वर्ष भी एक मैच हुआ था, मैं उसमें भी आया था, और इस वर्ष भी जो ये आयोजन हो रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का जो टूर्नामेंट है बहुत ही भव्य स्तर से हो रहा है। कई बड़े बड़े जिला स्तरीय खिलाड़ी यहाँ पर अपने खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं। इस खेल की भावना को, खेल की भावना से इसलिए खिलाया जा रहा है कि यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी होती है, सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठे होते हैं और खेल से जो एक मैसेज जाता है, प्रेम का, भाईचारा का, मोहब्बत का, और खेल के प्रति जो बिहार स्टेट हमेशा से आगे रहा है उसी को और परवान चढ़ाने के लिए क्रिकेट की फील्ड में यहाँ से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 में, अंडर 20 में सिलेक्शन भी हुआ है। तो हम लोगों की भी यही कोशिश रही है कि छोटे मोटे खेत खलिहानों से निकलकर हमारे समाज के, हमारे टोला के युवा आगे बढ़े और अपने स्टेट के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन करें। मैं BYO के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से और एक मेरा जो हॉबी है कमेंटेटर था, उसकी हैसियत से मैं टूर्नामेंट में आया हूँ। नाज़रीन, सबका अपना अपना हॉबी होता है, जैसा कि अभी आप BYO के स्टेट सेक्रेटरी जनाब सनाउल्ला साहब को सुन रहे थे, उनका भी ये हॉबी रहा कि अब वो चाहते हैं कि गांव देहात से निकल करके यानी हाई लेवल के क्रिकेटर बनना, अपने यहां के युवाओं को बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट खेलना चाहिए। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनता हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर, क्या नाम है? अच्छा, मैनेजर, आपका नाम क्या? सबसे पहले आप अपना परिचय दें, उसके बाद बताएं कि आप इस JCC के बारे में क्या कहेंगे। नहीं,
जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर के जनताओं का कहना है और यहाँ पर जितने ये पोस्टर में जितने लोगों का नाम है ये सब कमेटी में शामिल है, यानी यही लोग मिलकर के मैच को करा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ बड़े बड़े पार्टियों से और बड़ी बड़ी तंजीम के लोग यहाँ पर इस क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है, JCC, और बताया जा रहा है अभी जैसा कि जनाब सनावला साहब बता रहे थे कि यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी JCC क्रिकेट क्लब का आयोजन किया गया था और ये आज का मैच जो है ये फाइनल मैच है।